नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। IFMS जिसका उपयोग आप समय समय पर करते आए हैं, पे मैनेजर को एक्सेस करने के लिए, राजकोष को एक्सेस करने के लिए, राजस्थान सरकार पंजीयन मुद्रांक विभाग की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी पेंशन यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, वर्क अकाउंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम यानी WAM को एक्सेस करने के लिए और बजट देखने के लिए और ईग्रास पर कार्य करने के लिए आप इस साइट का उपयोग करते थे, परंतु इन सभी साइट्स पर अलग अलग कार्य करने के लिए आपको अलग अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती थी। अब ये सभी सिस्टम पहले IFMS 2.0 वर्जन पर उपलब्ध थे, अब इन्हीं वर्जन को अपडेट करके IFMS का 3.0 वर्जन लॉन्च किया गया है, हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप इन सभी वेबसाइट्स के ऊपर एक ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे, अलग अलग लॉगिन आईडी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। IFMS 3.0 वेबसाइट क्या है, उसमें आप किस प्रकार से आपको मिले हुए रोल पर कार्य करेंगे, किस प्रकार से रोल को आवंटित करेंगे, किस प्रकार से उसको वेरीफाई करेंगे, ये संपूर्ण प्रक्रिया हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली IFMS राजस्थान के अंतर्गत अभी तक हम जिस वेबसाइट पर कार्य करते थे वो IFMS 2.0 थी, उसको अपडेटेड करके अब IFMS 3 में बदल दिया गया है। पहले हम IFMS 2 पर अलग अलग वेबसाइट में जब कार्य करते थे, चाहे बजट के ऊपर कार्य करते थे, चाहे पे मैनेजर के ऊपर कार्य करते थे, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऊपर कार्य करते थे, तो अलग अलग लॉगिन आईडी पासवर्ड का हमें उपयोग करना पड़ता था। IFMS 3.0 में उस व्यवस्था को अब समाप्त कर लॉगिन की नई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें आप SSO लॉगिन के माध्यम से पूरी वेबसाइट में आप लॉगिन कर पाएंगे, सभी वेबसाइट के लिए एक ही आईडी पासवर्ड का उपयोग कर पाएंगे। इस वर्जन के अंतर्गत आपको प्राप्त रोल, अधीनस्थ कार्मिकों को जो रोल दिया गया है उसको अनुमोदित करने की प्रक्रिया और वेरीफाई करने की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। आइए उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। IFMS 3.0 पर लॉगिन करने की प्रक्रिया को जानने के लिए आपको यहाँ पर जो एक लिंक दिखाई दे रहा है https://ifms.rajasthan.gov.in, ये लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दूंगा। आप इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं आपके समक्ष इस प्रकार से नवीन IFMS 3.0 का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अभी इसमें बहुत सारे मॉड्यूल कार्य नहीं कर रहे हैं, अभी साइट अपडेशन वर्जन में चल रही है, अभी लॉन्च हुई है, तो बहुत सी चीज़ें इसमें नहीं हैं। अभी केवल इस पर बजट का मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है लॉगिन का। इस लॉगिन ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आपको SSO पोर्टल पर लेकर चला जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं ये साइट यहाँ पर आ चुकी है और SSO लॉगिन वाले ऑप्शन में आ चुकी है। यहाँ से हम ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड इंसर्ट करेंगे। कैप्चा कोड इंसर्ट करके लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा SSO लॉगिन का। यहाँ पर आपको अदर एक्टिव ऐप्स पर क्लिक करना है। यहाँ अदर एक्टिव ऐप्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सर्च करना है आपको IFMS, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर न्यू IFMS, इस प्रकार से एक आइकन दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आइकन पर क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का नया इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपकी डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी। उस डिटेल को एक बार मैंने यहाँ पर ब्लर कर रखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने के कारण से, तो आप इस डिटेल को अच्छी तरह चेक कर लें और चेक करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कन्फर्मेशन का बटन। जब ये आपकी डिटेल सही हो तो यहाँ इस कन्फर्मेशन के बटन पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डाटा सेव हो जाएगा और आपको डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाएगा। अब वापस हमें उसी जगह हम लौट आएंगे डाटा एक बार सेव करने के बाद में, फिर वापस आपको IFPMS पर क्लिक करना है। अब जब आप IFPMS पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो सेव हो चुकी है और उसके बाद ही नया ये ऑप्शन खुलेगा। तो इस नए पेज पर आपको IFMS 2.0 का टैब भी दिखाई देगा लेकिन वो वर्तमान में निष्क्रिय है, और डिस्ट्रीब्यूशन इंजन भी दिखाई देगा, अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी दिखाई देगा, मास्टर मैनेजमेंट सिस्टम भी दिखाई देगा, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी दिखाई देगा, लेकिन ये सब आइकन अभी अनहाइलाइटेड हैं यानी वर्तमान में निष्क्रिय हैं। जैसे जैसे ये साइट डेवलप होगी तब ये एक्टिवेट होंगे। यहाँ पर आपको मिलता है बजट मैनेजमेंट का, मैंने आपको शुरू में बताया था कि केवल अभी बजट मैनेजमेंट का ऑप्शन ही सक्रिय है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यदि कोई रोल असाइन किया हुआ है तो आपको शो करेगा, नहीं किया हुआ है तो आपको प्रदर्शित करेगा कि आपको किसी प्रकार का रोल असाइन नहीं किया हुआ है। चलिए हम देखते हैं क्लिक करके यहाँ पर क्या मैसेज मिलता है। यहाँ हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए रोल इज नॉट असाइंड, काइंडली रिक्वेस्ट फॉर रोल असाइनमेंट, यानी आपको कोई रोल असाइन नहीं किया हुआ है, आप कोई रोल लेना चाहते हैं तो कृपया अप्लाई करें। हम यहाँ ओके के बटन को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ओके के बटन को प्रेस करते हैं इस प्रकार से एप्लीकेशन, जैसे बजट मैनेजमेंट को सिलेक्ट कर लिया हमने, क्या रोल चूज करना चाहते हैं आप, इनमें से क्या हैं वो पद सेलेक्ट कर लें। DS हैं बजट, डायरेक्टर बजट हैं, AD हैं, HOD हैं, HO हैं, मेकर हैं, BCO हैं, स्टाफ हैं, तो जो भी रोल आप लेना चाहें। जैसे मैं HO के लिए अप्लाई करूं तो सेलेक्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, आपका जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे ये सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑफिस वैल्यू सेलेक्ट करनी है हमें। ऑफिस वैल्यू जो भी आपके ऑफिस की आईडी है उससे सर्च होगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑफिस की लिस्ट खुल जाएंगी। जैसे ये खुल चुकी है तो मैंने अपने विद्यालय का नाम सेलेक्ट कर लिया 8925, जो हमारी आईडी है उन्होंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ से आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे ये रिक्वेस्ट आपके डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में पहुँच जाएगी और आपको यहाँ सेंट आइटम में प्रदर्शित होने लग जाएगी। जब ये रोल आपके डिपार्टमेंट के हेड द्वारा अप्रूव हो जाएगा तो आपको ये रोल असाइन हो जाएगा। हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं।
डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का आपको मैसेज मिलेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सेंट आइटम में वो रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये सेंट आइटम है, सेंट आइटम में रिक्वेस्ट आपको दिखाई दे रही है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको अप्रूवल स्टेटस में पेंडिंग दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो यहाँ से डिलीट भी इसको कर सकते हैं, यदि आपको इसको नहीं करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट रोल का ऑप्शन दिखाई देता है, तो सेलेक्ट रोल पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको वो आईडी दिखाई देगी जहाँ पर रिक्वेस्ट को सेंड करना है, उस आईडी को सेलेक्ट करें आप और रिक्वेस्ट को सेंड कर दें। जैसे आप रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे ये अप्रूवल के लिए चली जाएगी और जिनको आपने भेजी उनकी आईडी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो आप ये आईडी एक बार नोट कर लें, भविष्य में आपको ये काम आएगी क्योंकि ये आपके एचओडी की आईडी है, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिखाई दे रहा है आपको, तो उनके पास ये अप्रूवल के लिए चली जाएगी। इस प्रकार से रिक्वेस्ट जब अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ पेंडिंग का स्टेटस है वो शो होना बंद हो जाएगा। तो ये थी संपूर्ण प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम रोल को कैसे असाइन करेंगे, रोल को कैसे अप्रूव करवाएंगे, लॉगिन कैसे करना है, वो सब भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। फिर इसी प्रकार की जानकारियों के साथ मैं आपसे मिलता रहता हूँ, तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।